गाइस, सो मैं हूँ शिला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिला स्टाइल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरी क्लोथिंग कलेक्शन। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी सारी की सारी आउटफिट ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी मैं बहुत सारा शॉपिंग करती हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स टू बिगिन। ओके गाइस, सो सबसे पहले प्लीज इग्नोर माई कबर्ड, क्योंकि ये जो कबर्ड आप देख पा रहे हो बहुत पुराना है एंड इसी में मैं मेरे सारे के सारे कपड़े रखती हूँ। तो चलो देखते हैं इसके अंदर की हाल। सो ये रहा, एंड आज की वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि मेरे बहुत सारे यहाँ पर कपड़े हैं, अगर एक एक करके दिखाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो इसलिए मैं ना इसमें स्पीड लगा दूंगी एंड आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसे कम्प्रोमाइज कर लेना एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मेरे हाथ में जो फर्स्ट आएगी मैं उसी से स्टार्ट करूंगी। तो यस, ये रहा। तो ये दुपट्टा है, दुपट्टा तो ये सिल्क की है। देख के समझ पा रहे हो कि ये सिल्क की है एंड इसके ऊपर गोल्डन एम्ब्रॉयड आ रही है। तो यस, ये बहुत अफोर्डेबल है, 150 की। तो ये गई, एंड नेक्स्ट आती है क्या यार, ऐसे नहीं होगा, मुझे देख के लाना। यस, तो नेक्स्ट ये एक स्ट्रेट पैंट है, तो इसे मैं क्या दिखाऊंगी, ये पैंट है। तो ये जो स्ट्रेट पैंट होती है ना, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो उसी को मैंने चार या फिर पांच ली थी। तो अभी पता नहीं इसमें कितना है, देखना पड़ेगा। ओके, देन अभी आती है कुर्ती, तो जो कि बहुत फॉर्मल एक कुर्ती है, फॉर्मल ड्रेस कुछ इस तरह की देख पा रहे हो। एंड ये येलो कलर में है, मस्टर्ड येलो तो नहीं है, मस्टर्ड येलो कलर मुझे इतना पसंद नहीं है, तो एक स्लाइट कलर की येलो है एंड स्लाइट कलर की येलो है, एक स्लाइट येलो कलर है। तो ये है इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडर देख पा रहे हो व्हाइट कलर की, तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने इसे ली थी। ये भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, इसकी प्राइस आई थिंक 457 रुपीज की थी। तो ये गई, अभी नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट तो ये कुर्ती मैं आपको क्या दिखाऊंगी, क्योंकि इसकी रिव्यू मैंने कुछ दिन पहले ही दी थी, तो जो मैं मीशो से ली थी। ये रहा इसकी पैंट स्ट्रेट प्लाजो, एंड ये रहा कुर्ता जो कि व्हाइट कलर की है। तो अभी नेक्स्ट, ओके, सो यहाँ पर जितना सारा कपड़ा है, ऐसे कोई बात नहीं मैं सारी की सारी दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी कपड़ा है जो दिखाने के लायक नहीं है एंड कोई जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए। तो चलो अभी नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट ये देखो, ये रहा, ये मेरी नाइट सूट की पैंट है, तो इसे मैं क्या दिखाऊँ बताओ, तो फिर भी दिखा देती हूँ। ये रहा हाफ पैंट है ये। तो अभी नेक्स्ट आती है, यस नेक्स्ट ये वाला ड्रेस। तो ये एक ना कोल्ड शोल्डर कुर्ता है, कोल्ड शोल्डर अनारकली कुर्ती, अनारकली भी नहीं है, बट ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। तो एक्चुअली लिखा होता है कि अनारकली कुर्ता, बट ये अनारकली तो नहीं है, सिंपल सा कुर्ता है, बट यहाँ पर देख सकते हो कोल्ड शोल्डर है। तो ये मैं टाइम थी जब बहुत ज्यादा पहनती थी, बट अब उतना नहीं होता है, होती है। तो अभी नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट ये लेगिंग्स है, तो ये मैं क्या दिखाऊंगी ये छोड़ो। एंड फिर ये आती है एक ड्रेस, ठीक है, तो ये कुर्ती तो नहीं है, तो इसे पहले मैं सीधा कर लेती हूँ। तो इसकी रिव्यू मैं दे चुकी हूँ मेरे मीशो हॉल में, तो यस इसकी ये तो आप देख चुके हो, आई नो मैं, एंड मैं इसे पहन के भी बहुत बार वीडियो कर चुकी हूँ। एंड ये भी ऑफ शोल्डर है, कॉल शोल्डर है, आप कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पर इनर होल्डर भी है, देख सकते हो आप। तो एंड ये देख चुकी हूँ, तो इससे मैं क्या पर्सनली और दिखाऊंगी। तो अभी बारी आती है और एक ड्रेस की, तो इसे पहन के मैंने वीडियो बनाई। ओके, सो नेक्स्ट ये ड्रेस है, जो ये भी मैं मीशो से ही बाई की थी। तो ये इतना रियल में अनारकली कुर्ती है, इसकी घेर आप खुद देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही। एंड इसकी जो क्वालिटी है ना, इस क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है मेरी। एंड ये ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, मैंने इसे हमारी बंगाली एक एक्ट्रेस है जिसकी नाम है मिमी चक्रवर्ती, तो मैंने इसे पहनते हुए देखा था, फिर मैं इसके ऊपर क्रश खा गई एंड फिर इसे खरीद ली। तो ये थी मेरी नेक्स्ट, एंड इसकी प्राइस में कितना थी पता नहीं मुझे, अभी याद नहीं, बट इसकी रिव्यू मैं दे चुकी हूँ। एंड नेक्स्ट ड्रेस है, तो ये ना पैंट से एंड दुपट्टा है, तो इसे मैं नहीं दिखाऊंगी। तो ये गई यहाँ पर, एंड अभी यहाँ पर एक मैंने फिर से मीशो से ही एक कुर्ती ली थी, तो ये भी मैं पहले सीधा कर लेती हूँ। सारी की सारी कपड़े देखो मैं कैसे रखती हूँ मेरे कवर में। तो ये भी एक सिंपल सा कुर्ती है, बहुत ही खूबसूरत, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर ऑफिस के लिए भी आप इसे ले सकते हो, सिंपल सा कुर्ता है ये कुर्ती है। एंड इसकी फ्रंट में ना कट है, स्टाइल के लिए देख सकते हो फ्रंट पे कट है, तो इस कट के लिए मैंने इसे ली थी, क्योंकि सिंपल सा कुर्ती है एंड इसकी आगे की कट मुझे ये पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने इसे ली। ओके, तो नेक्स्ट ड्रेस अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एक मीडी है, यस, तो ये एक मीडी है,
जो कि ये भी मैं ऑफलाइन ही बाय की थी। एंड यहाँ पर ना थोड़ी सी काम है, आप देख सकते हो यहाँ पर स्टोन की, ब्लैक स्टोन की ये काम है। एंड नीचे ना थोड़ी सी रफिल है, तो ये भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल थी। इसकी प्राइस भी लाइक कुछ 450 की थी। तो ये मैं एक मॉल से ली थी, शॉपिंग मॉल, ये ऑफलाइन है, बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं। तो आज मैं लड़खड़ा रही हूँ बातें करने में, आई डोंट नो क्यू। तो अभी नेक्स्ट, तो जो प्रोडक्ट्स मैं नहीं दिखा रही हूँ, सोचना ये कि मैं, ये मेरी ना अंडर गारमेंट्स है, तो इसलिए। तो अभी नेक्स्ट, ये एक कुत्ता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, एंड ब्यूटीफुल के साथ साथ बहुत स्पेशल भी है। तो ये देख पा रहे हो कितना खूबसूरत कुत्ता है, लाइक कुत्ती है। एंड यहाँ पर टसल भी है, ये रहा टसल, देख सकते हो। ये लाइक बहुत ही खूबसूरत है ड्रेस, एंड यहाँ पर स्टोन की काम है, देख सकते कितना हैवी है ना, लेकिन इसे स्टोन नहीं, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। तो ये है, एंड पूरा कुर्ता में लाइक यहाँ पर एक बड़ा वाला है, एंड यहाँ पर है, एंड यहाँ पर फिर छोटी छोटी लाइक छोटा छोटा वाला है। तो इसकी प्राइस, ये भी मैं ऑफलाइन से ली थी, तो इसकी प्राइस ना 1600 थी। एंड इसे, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने ईद पे गिफ्ट किया था, तो इसलिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो हमारी शादी की बात, फर्स्ट ईद, यस। तो ओके, सो नेक्स्ट ना एक बहुत ही सिंपल सा एक कुर्ता है, तो ये फुल व्हाइट में है, एंड इसकी जो यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी है, जो एम्ब्रॉयडरी की काम है, देख पा रहे हो आप, ये भी ना व्हाइट है। तो इसे ना मैं इसलिए ली थी क्योंकि मेरे पास ना एक रेड कलर की, ये रहा एक स्ट्रेट पैंट है रेड कलर की, तो इसके साथ मैं इसे पहनने के लिए ली थी। तो इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, तो ये गई कुर्ता बैंड, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस, अगर मैं पहनती हूँ ना तो क्या बताऊँ इस रेड के साथ। एंड इसके साथ एक दुपट्टा है जो मैंने पहले ही फेंक दी नहीं, यहाँ पर रख दी है। तो ये गई नेक्स्ट, एंड अभी नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट मैं आपको क्या दिखाऊँ, ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर ना मेरे, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मेरी और एक पैंट है जो कि जेगिंग्स है, तो इसे मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि जब मैं लाइक इतने सारे स्ट्रेट पैंट्स खरीदने के बाद मैं इसे नहीं पहनती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, एंड जेगिंग्स कंफर्टेबल नहीं होता है, सबको पता है। एंड जो स्ट्रेट पैंट्स मैंने ली थी तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, एंड इसकी प्राइस लाइक 500-600 ऐसे होती है। ओके, तो नेक्स्ट आती है ये टी शर्ट, तो यस, ये सिंपल है, मैं इसे पहन के वीडियो कर चुकी हूँ, जैसे कि टी शर्ट्स होती है। तो टी शर्ट मेरे पास बहुत सारा है, तो यहाँ पर अभी नहीं है क्योंकि टी शर्ट्स की ऑप्शन है, टॉप्स की जो टॉप्स होती है मेरी, ये कहीं और पे मैं रखती हूँ, तो इसलिए, बट ये पता नहीं कहाँ यहाँ से आ गए। एंड अगर आप चाहते हो तो मैं मेरी टॉप्स की भी कलेक्शन शेयर कर लूंगी। तो अभी फिर नेक्स्ट ये क्या है, आई डोंट नो व्हाट द हेल। ओके, तो ये पैंट्स है, तो ये पैंट्स मैं नहीं पहनती हूँ, बट पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गए। तो नेक्स्ट क्या क्या निकलती है अंदर, ये पता है, ये हमारे जो बाबू है ना रूही, तो जो मेरी बहन है उसकी बेटी की यहाँ पर ये आ गई है, उसकी है रूही की। तो अभी नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट और एक स्ट्रेट पैंट जो कि गोल्डन कलर में है, व्हाइट गई, रेड गई, गोल्डन गई, ये तीनों यहाँ पर है। इसे मैं नहीं, लाइक इसे मैं ढूंढ के नहीं पा रही थी, बट अब मिल गई मुझे। तो अभी तो ये क्या है, ओके, सो ये लाइक इसे भी सीधा कर लेती हूँ पहले। ओके, सो ये भी एक लाइक सिंपल कुर्ती है, तो बहुत ही सिंपल साइड कट कुर्ती है ये। तो ये इस कुर्ती की खास बात बताऊं कि मेरे दो बहनों के पास ऐसे ही सेम कुर्ती है, मेरे पास ब्लैक, एंड रूही की जो मम्मी है ना उसके पास रेड थी, एंड मेरे और एक बहन है तो उसके पास ब्लू है। हमारे लाइक हम तीनों बहनों के पास सेम है, ये किसी खास बात यही है। तो यस, तो ये गई, अभी नेक्स्ट दिखाती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर एक जैकेट है जो कि विंटर के लिए है, बट मैंने इसे अभी तक नहीं पहना क्योंकि मैं ना लाइक कुछ दिन पहले इसे ली थी, तो इसे मैं पहनने के टाइम ही नहीं मिला क्योंकि अभी तक विंटर ही नहीं आया, तो इसलिए। तो ये एक जैकेट है, खूबसूरत जैकेट है, यस, प्राइस बहुत थी इसकी, बहुत 1200 में भी। तो ये गई जैकेट, एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस जैकेट, ओके थाई। तो अभी नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, ये ड्रेस, इसकी एक कहानी है, कहानी को मैं टाइम लेके बताऊं। ओके, सो अभी इसकी कहानी मैं स्टार्ट करती हूँ। इसे लेने की बात, लाइक मैं खुद को मारा था इसलिए क्योंकि मेरी बहन भी ली थी मेरे साथ एक ड्रेस, वो भी बहुत ज्यादा महंगा थी, एंड ये भी, तो इसकी प्राइस पता है कितना है, इसकी प्राइस है 3100, यस, तो ये 3100 की है। बट अब ड्रेस देखो, अब कहीं से भी लगता है कि ये इतना ज्यादा महंगा होगा, मैं नजदीक से आपको दिखाती हूँ, ये देखो बहुत महंगा है यार, क्योंकि मैंने ना इसे रात के टाइम पे ली थी, बट तभी इतना मुझे नहीं दिखा, बट जब मैं घर पे आई फिर दिखी, लाइक तो मुझे पता चला यार इसी प्राइस में इसको मैं क्यों खरीदा, बहुत ही लाइक देख सकते हो कितना गंदा है, मैं इसे एक बार ही पहन चुकी हूँ, पता है, नहीं पहना क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आई। एंड उसकी जो मेरी बहन की जो ड्रेस थी ना, वो लाइक इतना पुराना लग रहा था आने की बात, बहुत घटिया। एंड मेरी बहन ने जो मेरे साथ ली थी, वो कुछ लाइक एक कुर्ता एंड प्लाजो थी, तो वो भी इतना पुराना लग रहा था यार, बहुत ही पुराना, लाइक रात के टाइम पे हम ली, कुछ भी नहीं पता चला हमें, फिर बाद में घर में देखा, क्या बताओ। ओके, सो नेक्स्ट क्या यार, नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। तो नेक्स्ट ये क्या है यार, मेरा है क्या ये, ओ जी यस यस, मेरा ही है। तो इसे भी पहले सीधा कर लेती हूँ। इन सारी कपड़ों को ना मैं एक से दो बार ही पहन चुकी हूँ, बट
टाइम नहीं होते ना, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती हूँ तो कब पहनूं इसे, बहुत कम बाहर जाती हूँ। तो ये भी एक टॉप है जो कि लॉन्ग टॉप है एंड मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है एंड कलर भी बहुत ही खूबसूरत है इसका, तो इसलिए तो इसकी प्राइस है लाइक 350 की थी। जी हाँ, तो इसे मैं ना मीशो से ली थी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट दिखाती हूँ, तो नेक्स्ट एक टॉप है ये भी, तो ये व्हाइट टॉप है एंड व्हाइट कलर मुझे पसंद है, व्हाइट कलर की कपड़ा मुझ पर सूट करके पर्सनली, अभी भी मैं व्हाइट ही पहनी हुई हूँ। तो ये भी ना ये जैकेट मैं मीशो से ली थी, ठीक है, एंड इसके अंदर की जो टॉप देख पा रही मैं लोकल मार्केट पे ली थी, नहीं लोकल मार्केट पे नहीं मॉल पे ली थी। तो ये रहा स्टॉल, ये सारे के सारे स्टॉल है एंड ये भी, अच्छा इसके बारे में बताती हूँ, ये जो मेरे हस्बैंड ने मुझे ईद पे जो आउटफिट दी थी, जो कुर्ता दी थी ना, उसके साथ पहनने के लिए मैं ये ली थी, ये बनारसी उन्ना है, उन्ना ये बनारसी दुपट्टा है जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो ये लाइक इसकी प्राइस 500 कुछ ऐसे ही थी, 500, बहुत बड़ा है दुपट्टा, देख सकते हो बहुत ही बड़ा दुपट्टा है ये रहा, तो इसके लिए इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है 500 की। तो अभी नेक्स्ट, ओके गाइस, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे ना वीडियो अपलोड करने में तब मजा आती है जब मेरे वीडियो में बहुत सारा मेहनत होता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अभी भी बहुत सारा कपड़ा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ लाइक मेहनत है तो अपलोड करने में भी मजा आएगा। चलो देखते हैं, ये देखो यहाँ पर लाइक देख पा रहे हो आप, नीचे भी बहुत सारा पड़ी हुई है अभी भी एंड फिर यहाँ पर देख सकते हो एंड अभी भी यहाँ पर तो बहुत बाकी है। तो चलो पहले दिखा देती, ओके चलो अभी। सो नेक्स्ट ड्रेस ये है, तो ये रहा एंड ये ना मीशो से मैंने ली थी, तो इसकी रिव्यू मैं दे चुकी हूँ तो अभी क्या देना, तो फिर से दे रही हूँ। तो इसकी ये रहा टसल एंड ऊपर की तरफ ये पिंक कलर में है एंड नीचे फुल वाइट लेंथ देख पा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी, जब मैंने इसे खरीदा तब इसकी प्राइस मे भी 640 की थी, सॉरी 840 की थी, तो था। तो अभी नेक्स्ट देखा, ओके सो नेक्स्ट ना एक और ड्रेस है, तो ये रहा, तो ये ना एक लाइक लहंगा काइंड ऑफ है, तो इसे मैं नहीं ओपन करूंगी क्योंकि इसके साथ ऊपर की और भी बहुत सारा, तो पता नहीं मेरे मम्मी ने इसे कहाँ रख दिया, मेरी अभी भी बहुत सारा ड्रेस है जो यहाँ पर नहीं है, पता नहीं कहाँ है मेरी, शायद मेरी मम्मी बोल सकते, तो आज घर पे नहीं है मेरी माँ। तो नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको, ओके सो नेक्स्ट ये जो ड्रेस है ना ऊपर से, ये ड्रेस तो इसकी भी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, आपको पता है ये पिंक बेबी पिंक वाला, इसे भी मैंने मीशो से ही ली थी। मीशो की ना बहुत सारी ऐसे भी कपड़ा है लाइक बहुत अफोर्डेबल है एंड क्वालिटी यार ऑसम है, जैसे कि मैं अभी ये गाउन दिखा रही हूँ आपको, अनारकली गाउन बहुत ही खूबसूरत है, प्राइस भी बहुत सस्ता है। तो अभी नेक्स्ट एक कुर्ती दिखाती हूँ जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी, ये व्हाइट प्रिंट कुर्ती है, इसमें फ्लावर की प्रिंट है बहुत सारी मल्टी कलर में, तो सिंपल साइज कुर्ता है, साइड कट कुर्ता। ओके सो नेक्स्ट ना ये जीन्स है जो कि नेवी ब्लू कलर में है, तो इसे भी ओपन करने की कोई जरूरत नहीं एंड फिर यहाँ पर ये नहीं दिखाऊंगी मैं, एक स्कार्फ है लाइक इस तरह की एक स्कार्फ, बटरफ्लाई प्रिंटेड स्कार्फ है, तो ये गया एंड ये जो, ओके नेक्स्ट एंड लास्ट दिखाऊंगी और नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर फेल गई है, फिर इसे फोल्ड भी करना है अच्छी तरह से। तो ये ना एक ड्रेस है लाइक 3 पीस की ये ड्रेस है, तो ये मैं ऑफलाइन से ली थी बट ये ना अमेजोन पे अवेलेबल है, सेम चीज सेम प्रिंट सब कुछ सेम, अमेजोन पे आपको कितने 1500 में मिल जाएगी मैंने देखा था। तो ये पहले इसकी टॉप है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत टॉप एंड कपड़ा यार प्योर कॉटन है, इतना सॉफ्ट है इसकी कपड़ा क्या बताऊं। तो ये टॉप है इसकी एंड फिर इसकी जो बटम आती है तो ये भी सेम कपड़े की है, कॉटन की, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्ट्रेट पैंट है ये एंड फिर यार फिर इसकी बात आती है द मैन ऑसम, जब मैं इसे देखा था ना तो मुझे इसे ही लेना था, लाइक इतना खूबसूरत एक जैकेट है लाइक गाउन काइंड ऑफ जैकेट देख सकते हो, नीचे रफल भी है ये रहा एंड बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है यार नीचे एंड स्टाइलिश लुक भी देती है, मैं पहन के दिखाती हूँ आपको, सी बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, नीचे रहेगी टॉप एंड पैंट लाइक बहुत खूबसूरत है। तो ये गई लास्ट ड्रेस एंड अगर आप मेरे टॉप कलेक्शन एंड जितने भी सारी कपड़े अभी भी है जो हमें नहीं दिखे, अगर देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना। ओके गाइस, सो ये थी मेरी आज की वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो यस, यही थी मेरी वीडियो, चलो टाटा।